दोस्तों 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 7 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष का भौतिकी नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को प्रदान किया गया है, जिसका ऐलान रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम, स्वीडन में किया। इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स के उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। जॉन हॉपफील्ड ने एक एसोसिएटिव मेमोरी बनाई जो डेटा में तस्वीरों और अन्य पैटर्न को सेव और रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार इस साल यह सम्मान 3 लोगों को दिया गया है। इस अवार्ड का आधा हिस्सा डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा इसे संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस एंड जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना प्रेडिक्शन के लिए दिया जाएगा। दोनों को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। माइक्रो आरएनए की खोज चिकित्सा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कैंसर अनुसंधान और आनुवांशिक अध्ययनों में। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कैंग को दिया जाएगा। हान कांग को उनकी अनूठी शैली के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। उनके गद्य में इतिहास के दर्दनाक अनुभवों को बड़े संवेदनशील और काव्यात्मक तरीके से चित्रित किया गया है। उनकी लेखन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो इंसानी जीवन की जटिलताओं और संवेदनाओं को सरल लेकिन मार्मिक ढंग से सामने लाती है। वर्ष 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदानकियों को प्रदान किया गया है, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। 10 अगस्त 1956 को स्थापित यह संगठन वर्ष 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटों में जीवित बचे लोगों से बना है। नॉर्वे नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वाटने फ्रिडनेस ने शुक्रवार को पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों का ये जमीनी प्रयास सराहनीय है। साल 2024 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया है, जिसमें डेरोन एसिमोग्लू, सिमोन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को साल 2024 के लिए अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को कोई भी संस्थान कैसे बनते हैं और वह कैसे समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसके स्टडी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।